प्रदेश के सियासी गलियारों से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश में हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस की राह बीजेपी की तरह ही रहने वाली है, लेकिन फॉर्मूला जरा हटके रहेगा। कयास गरम है कि कांग्रेस एक पुजारी एक गांव और 60 वोटर का फॉर्मूला अपनाने जा रही है। पिछले कुछ वक्तों से पार्टी ने ऐसे कदम उठाए हैं जो धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस मठ मंदिरों की जमीन के मुद्दे उठाकर पुजारियों के बहाने ब्राह्मण वोट साधने की कोशिश में जुटी हुई है। इसके अलावा 2019 में 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने राम वनगमन पथ कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया था। इस बार कांग्रेस ने 230 विधानसभाओं में धर्म रक्षा यात्रा निकालने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत इंदौर से की जा चुकी है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज जी, अभी तक हम ये देखते आ रहे थे कि बीजेपी हिंदुत्व की राह पर चलती थी, लेकिन अब कांग्रेस भी इसी राह को अपनाती हुई दिख रही है। एक नया फॉर्मूला सेट किया गया चुनाव को देखते हुए। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कांग्रेस भी बढ़ी है, लेकिन इस बार 2023 को लेकर और अलग तरह की तैयारियां हैं। जैसे मठ मंदिर की बात करना, पुजारियों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ना। एक पुजारी जो किसी गांव में होता है वो कई लोगों को प्रभावित करता है, तो इसी रणनीति के साथ कांग्रेस बढ़ने जा रही है। हमने ये भी देखा है कि बीते दिनों जो धर्म रक्षा यात्रा निकाली गई थी इंदौर, उज्जैन और बाकी स्थानों पर, तो वो सीधे तौर पर एक मैसेज था कि आखिर हम भी धर्म रक्षा को, धर्म की रक्षा करना चाहते हैं। कांग्रेस भी उससे पीछे नहीं है। अपना एक अलग तरह से उन्होंने विंग तैयार की है, जिसकी जिम्मेदारी कुछ अलग लोगों को सौंपी गई, जिसमें कई पुजारी हैं, संत हैं। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ये समझ रही है कि सॉफ्ट हिंदुत्व का जो मसला है या हिंदुत्व का जो मसला है उसको छोड़ा नहीं जा सकता। 80% हिंदुत्व है और उसको छोड़ना कहीं ना कहीं पहले भारी पड़ता रहा है कांग्रेस को। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पर चली है, तो पूरी तरह, चाहे राम की बात हो, मंदिर की बात, हनुमान की बात, ये सब की तरफ भी अब कांग्रेस बढ़ती हुई नजर आ रही। 5 बिंदु इसके लिए तय किए गए, उन 5 बिंदुओं में तमाम तरह की चीजें शामिल। बिल्कुल, तो धर्म पथ की तरफ आगे बढ़ती हुई कांग्रेस दिख रही है। देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में इसका असर कितना देखने को मिलता है और कांग्रेस को कितना फायदा मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपका तमाम जानकारी और चर्चा।